हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, अभी हमने इससे पहले की वीडियोस में अपने पाठ में, जो पाठ 7 है जंतुओं में जनन में, हमने लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों पढ़ लिया है। आज इस पाठ का लास्ट टॉपिक है जो कि है जरायुज एवं अंडयुज। जरायुज क्या होता है बच्चों? जरायुज होता है बच्चे देने वाले जंतुओं को जरायुज कहते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, बकरी, कुत्ता, चमगादड़, व्हेल आदि। और अंडे देने वाले जंतुओं को अंडयुज कहते हैं, जैसे मुर्गी, कबूतर, सर्प, मछली। जो भी अंडे दे रहे हैं वो अंडयुज हैं, जो बच्चे दे रहे हैं वो जरायुज हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसकी समरी पढ़ते हैं। समरी में देखिए क्या क्या दिया हुआ है इन्होंने। समरी इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके समरी में से ही निकल जाते हैं। जंतुओं में निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रजनन की आवश्यकता होती है। प्रजनन क्या होता है? अपने जैसे जीव उत्पन्न करना। ठीक है, जंतुओं में प्रजनन की दो विधियां हैं, लैंगिक और अलैंगिक। वृषण, शुक्रवाहिनी और शिश्न नर जननांग है, नर मतलब पुरुष के, और अंडाशय, अंडवाहिनी गर्भाशय मादा जननांग है। अंडाशय द्वारा उत्पन्न युग्मक अंडाणु और वृषण द्वारा उत्पन्न युग्मक शुक्राणु कहलाता है। ये नर का है और ये मादा का है। शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलकर संलय करके निषेचन का प्रोसेस निषेचन कहलाता है और इससे युग्मनस बनता है। मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन आंतरिक निषेचन और शरीर के बाहर होने वाले निषेचन बाह्य निषेचन कहलाता है। ये मेंढक, मछली में होता है बाह्य निषेचन, और आंतरिक निषेचन मनुष्य और गाय और कुत्ता, इन सब में होता है। निषेचित अंडाणु गर्भाशय में रोपित हो जाता है और इसका विकास होता है, फलस्वरूप नवजात शिशु का जन्म हो जाता है। बस इतना सा था। ठीक है, ओके, मुझे लगता है आपको समझ में आ ही गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके अभ्यास प्रश्न। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू, बाय।